आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से कि कुछ टेररिस्ट जो हैं वो यहाँ पे विदीपुरा गांव में एक मोहल्ले में छुपे हुए हैं। इस इन्फॉर्मेशन के मिलने के बाद ही जो आर्मी पुलिस और एसएसबी की पार्टीज़ हैं वो जॉइंट पार्टीज वहाँ पे पहुँची और उन्होंने वहाँ पे उस मोहल्ले को कॉर्डन में लिया। उसके बाद सर्च शुरू हुई और सर्च के दौरान ही टेररिस्ट जो छुपे हुए थे एक मकान में उन्होंने जॉइंट पार्टीज पे फायर खोल दिया। इसके चलते इनकाउंटर शुरू हो गया और जो इनकाउंटर है काफ़ी देर चला और अल्टीमेटली ये फिर मॉर्निंग आवर्स में जो है वो ख़त्म हुआ। इसके बाद इसमें जो है दो टेररिस्ट जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड हैं उनकी जो है वो दे वर किल्ड और उनकी रिकवरीज जो हुई हैं उनसे उसमें एक AK-74U, उसके तीन मैगजीन, एक पिस्टल और उसकी मैगजीन और दो बुलेट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं वहाँ से। इसमें जो इंटेल के हिसाब से हमारे पास जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है जो यहाँ पे आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली चल रही है अग्निवीर रैली उसको टारगेट करने के लिए ये यहाँ पे पहुँचे हुए थे और इनका मंसूबा यही था कि किसी न किसी तरीके से जो यूथ यहाँ पे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब किया जाए और इस रैली को नाकाम बनाया जा सके। तो इस मंसूबे को हमने जो है वो नाकाम बना दिया है और इसके साथ ही जो बाकी इसमें कार्रवाई है लवाजमात है वो कर लिए हैं। हमारे पास जो वहाँ पे साइट क्लियरेंस होती है वो भी कंप्लीट कर दी गई है और हमारी यही अपील है लोगों से कि वहाँ पे थोड़ा केयरफुली चलें और वहाँ पे उस मौके पे जो है केयरफुली जाएं और यूथ से यही अपील रहेगी कि वो इस रास्ते पे जो है वायलेंस के रास्ते पे ना उतरें। सर क्या कह सकते हैं कि मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए अमित शाह के दौरे से पहले कार्रवाई की सरकार? देखिए इस वक्त हम ये कहेंगे कि हमारा जो ऑलरेडी एक अलर्ट जो है वो जारी है और हाइटेंड जो सिक्योरिटी और इंटेल ग्रिड है वो बना हुआ है और उसके चलते ही ये सक्सेस हमको मिली है। सर क्या न्यू वेपन कोई मिला है या ओल्ड AK-47 की तरह? देखिए AK-47 का जो एक नया वर्जन रहता है नॉर्मली FTs के पास रहता है AK-74 जो जिसको शॉर्ट AK भी कहा जाता है या लोकल भाषा में उसको कैरनकोव कहते हैं, एक्चुअल नाम क्रिमकॉव है, वो बरामद हुआ है।